नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीगोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे हैं कि मैम सर्दियां शुरू हो गई हैं तो लड्डू गोपाल जी के साथ क्या दिनचर्या है, युगल जोड़ी की सेवा कैसे की जाती है, या लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवाए हुए आपको, काफ़ी टाइम हो गया तो आप उनके दर्शन करवा दें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, सर्दियाँ भी शुरू हो गई है और लड्डू गोपाल जी के साथ जो मेरी दिनचर्या तो नहीं शेयर कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो हाँ थोड़ा आपको बता दूंगी। और मेरा जो आज जो वीडियो मिलेगी आपको कि लड्डू गोपाल जी के साथ जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो कैसे होता है, और बाद में कभी इवनिंग रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, और जो युगल जोड़ी की सेवा कैसे की जाती है, काफ़ी लोग बार बार बोल रहे हैं प्लीज़ एक अलग से वीडियो बना दीजिए। तो युगल जोड़ी की सेवा कैसे की जाती है या उनके साथ मेरी दिनचर्या क्या है, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, उसकी वीडियो आप लोगों को अलग से मिलेगी। तो आज जो वीडियो आपको मिल रही है, यह वीडियो आपको मिल रही है कि लड्डू गोपाल जी की सर्दियों में जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो कैसा होता है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है हेमा शर्मा नाम से। आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा और काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा। तो बता दूं कि हेमा शर्मा नाम से मैंने चैनल शुरू किया है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलेंगी, मेरे लाइफस्टाइल पर ब्यूटी टिप्स मिलेंगे आपको, आपके हेल्थ से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी, योगा से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, और आपको वहाँ पर कुल मिलाकर अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, और वहाँ आपको व्लॉग्स भी मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपको ऑस्कर की वीडियोस भी मिलेंगी। अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो डाली है ऑस्कर की क्लास विद ऑस्कर, तो वहाँ जाकर आप ऑस्कर की वीडियोस देखें, क्योंकि आप लोग बार बार बोलते हैं कि मैम ऑस्कर को दिखाओ, तो आपको उस चैनल पर ऑस्कर की वीडियोस मिलेंगी। और आपको अभी जो मैंने वीडियो लेटेस्ट अपलोड की है आपको उसको देखकर बड़ा आनंद भी आएगा, क्योंकि ऑस्कर ने जो बड़ी प्यारी प्यारी शरारतें की है आपको अच्छी लगेंगी। तो जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों तक पहुँचे। लेकिन हाँ, वीडियोस आप लोगों तक तब पहुँचेगी जब आप साथ में जो बेल आइकन है उसे टैप करेंगे, तो मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30, तो गोपाल जी को सर्दियों में मैं 6:30 बजे के करीब उठाती हूँ, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। उठने के बाद मैंने मंदिर साफ़ कर लिया, और जो मेरे को थोड़ा बहुत और काम होता है मंदिर का वो मैंने किया। तो जो ठाकुर जी की पूजा के बर्तन होते हैं, कई बार मैं रात को मांज कर साफ़ करके छोड़ देती हूँ, और कई बार मैं सुबह भी साफ़ करती हूँ, तो मैंने रात को ही साफ़ करके छोड़ दिया उनके बर्तन। उनको नहलाने के लिए मैंने जो गुनगुना पानी है वो भी लाकर रख लिया, क्योंकि जब वो हम गुनगुने पानी से नहाते हैं, अब मौसम ठंडा हो गया है, तो उनके लिए भी मैंने जो पानी है हल्का गर्म ले लिया है। और जो गोपाल जी की जो पोशाक है वो भी मैंने पहले से ही निकाल कर, कोशिश करती हूँ मैं रात को ही निकाल कर रख लूँ उनकी पोशाक जो होती है, तो उनकी पोशाक भी मैंने रात को ही निकाल कर रख दी थी। तो अब मैं उठाऊंगी गोपाल जी को, क्योंकि थोड़ा लेट ही उठाती है सर्दी में, जैसा मैंने आपको अभी बताया है, अभी तो वो कर रही है विश्राम। तो चलिए गोपाल जी को उठाते हैं। तो गोपाल जी को मैंने चारपाई पर सुलाया हुआ है, और इनको मैं अलग चौकी पर ही सुलाती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों के बेड पर भी इनकी चारपाई मैं रख देती हूँ। इस कमरे में मेरे बच्चे सोते हैं, मेरी बेटी सोती है, तो गोपाल जी भी वहीं सोते हैं, तो मैं इनको अब उठाती हूँ। तो मैं 3 ताली मारकर हमेशा उठाती हूँ, आप मेरी वीडियोज़ में देखते ही हैं, और मैंने इनको जो कम्बल है उड़ाया हुआ है, क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं आई कि इनको रिजाई उड़ाई जा सके, तो हल्के गर्म कपड़े पहना देती हूँ और इनको ये पतला सा कंबल उड़ाकर सुलाती हूँ। तो सुबह सुबह मनी मन मैं जब भी इनको उठाती हूँ, तो एक भजन मैंने सुना हुआ, मुझे उसकी जो सुर है वो नहीं पता है, तो सिर्फ मैं ये बोलती हूँ कि उठो रे मोहन जागी हो रे, अब मैं डालूँ रही रे मोहना। तो मैं सिर्फ, मुझे उसके प्रॉपर शब्द भी नहीं याद है क्या है, लेकिन मेरे पास एक बुक है उसके अंदर है, तो मैं यही बोलती हूँ कि उठो रे मोहन जागी हो रे, अब मैं डालूं रई रे मोहन जागी उरे। तो बस मैं यही बोल के 3 ताली मार के उनको उठा देती हूँ गोपाल जी को। तो ये देखिए इनको मैं, ये हल्का गर्म है, ये ज़्यादा गर्म नहीं है, ये पहना कर सुलाती हूँ। फिर थोड़ा सा मैं, ये नहीं है कि मैं इनके सामने गिलास कटोरी लेकर इनको पानी पिलाती हूँ, तो ये जो पानी का बर्तन मैंने रखा होता है रात को मंदिर में, तो वो इनके पास ला कर, क्योंकि इसमें तुलसी दल रखा ही होता है, और मनी मन बोल देती हूँ कि ठाकुर जी पानी पी लो। फिर उसके बाद मैं इनको करवाती हूँ स्नान,
तो स्नान के लिए मैं इनके लिए जो मैंने हल्का गर्म पानी लिया हुआ है और जो इनकी मैंने पोशाक निकाल कर रखी हुई है वो है वेलवेट की और ये है इनका वेलवेट का ही पटका, ये पगड़ी है, ये इनकी है माला। तो इनको उठाने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से इनको स्नान करवा देती हूँ, इनको उठाने के बाद जैसे कभी मंदिर साफ कर लिया, थोड़े बहुत और काम हो जाते हैं इधर उधर के, वो काम करती हूँ, फिर उसके बाद मैं इनको करवाती हूँ स्नान। तो अब मैं इनको करवाऊँगी स्नान। तो जैसे ही मैं इनको स्नान करवाना शुरू करती हूँ, जो मेरे थोड़े बहुत जो मेरे को मंत्र आते हैं या जो मेरी पूजा पाठ का रूटीन है, वो मेरा रूटीन आज का नहीं है, वो रूटीन मेरा कम से कम 15-16 साल का ही है, तो मैं वही बोलती हूँ जो मुझे समझ आता है। तो बस मेरी जो पूजा शुरू होती है ठाकुर जी को नहलाने से शुरू होती है, वो मैं बोलती हूँ वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ध्याय नित्यं मेषम राजत्कीर्णिम चारुचंद्रवत्सम रत्नकल्पोजलं परशुमिरि गरारतिहस्तं पद्मासीनं समन्तात्सिमग्नि व्याघ्र गीति विषम विश्ववादम विश्वभुज निखिल भयहरम पंचवक्तम त्रिवित्रम ओम होम झुम सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् ओम अस्य श्री महामृत्युंजय स्तोत्रमत्रस्य मार्कण्डेय ऋषि अनुष्टुप छंद मित्रो देवता शक्ति मम सर्वाष्ट समस्त मृत्यु शांत्यर्थम सकल ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम जगे चैवन योग चंद्र काग्नि विलोचनम स्मित। तो बस मैं यही बोलती हूँ जो मेरे मंत्रों का उच्चारण है, शिव तांडव स्तोत्र पढ़ बोलती हूँ, शिव महामृत्युंजय स्तोत्र पढ़ती हूँ, रुद्राष्टकम भी पढ़ती हूँ और जो भी शिव चालीसा हो गई, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, क्योंकि ये सब मुझे याद है तो मुझे किताब नहीं खोलनी पड़ती, तो बस मैं यही पढ़ती रहती हूँ और अपनी मेरी जो भी पूजा है वो मैं कर लेती हूँ। तो इनको स्नान करवाया जा चुका है, शालिग्राम जी को भी मैं स्नान करवा दूँगी अभी। तो लंगोटी मैंने गोपाल जी को पहना दी है, अब इनकी जो पोशाक है ये वेलवेट की है, ऑरेंज कलर की है और वैसे भी आज है मंगलवार, तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेज के हिसाब से ही मैं इनको जो पोशाक है वो पहना दूँ, कोशिश ज़्यादातर मेरी यही रहती है। ये है इनकी माला और अब मैं इनका करूँगी श्रृंगार, जो इनका पटका है पटका मैं बाद में लगाऊँगी श्रृंगार करने के बाद। तो अब मैं इनके तिलक लगाऊंगी, ये है गोपी चंदन और ये है केसर चंदन पाउडर, ये मैं इसके अंदर हल्का सा मिक्स कर लेती होती हूँ तो जो इसका कलर है बहुत अच्छा आ जाता है। तो इनके मैं लगा देती हूँ तिलक, तो आंखों के आसपास तो इनका जो मेकअप है वो मैंने कर दिया है। अब मैं लगा रही हूँ इनके माथे पे तिलक, थोड़ा सा डिज़ाइन वाला लगा देती हूँ क्योंकि मैं रोज़ाना चेंज कर करके लगाती हूँ इनके। तो गोपाल जी को मैंने जो तिलक है वो लगा दिया है, आप देख ही रहे हैं तिलक बहुत सुंदर लगा है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक बार में ही लग जाता है और आज एक बार में ही लगा, और कई बार ऐसा होता है कि 10 बार भी लगाओ तो भी नहीं लगता है क्योंकि शरारती है ना ये, तो तिलक अपना कई बार लगवा लेते हैं कई बार नहीं भी लगाते। तो शालिग्राम जी को भी स्नान करवा के उनके तिलक मैंने लगा दिया है और जो बाकी का बचा हुआ तिलक है वो मैं लगा लूँगी अपने। तो अब मैं इनको पहना दूँगी पटका, क्योंकि जब भी मैं इन्हें ये पटका पहनाती हूँ मुझे ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं इस पटके में, क्योंकि वेलवेट की पहना दो पोशाक और ऊपर से इस तरीके का बनाकर पहना दो पटका, तो जो ठाकुर जी हैं यानी कि जो गोपाल जी हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए ये इनका पटका भी मैंने कर दिया है सेट, और इनको पहना दूँ माला और इनके अब पहनाई जाएगी पगड़ी, क्योंकि मुझे ये मुकुट से ज़्यादा पगड़ी में अच्छे लगते हैं। और आप लोग बोल भी रहे हैं कि मैम आप इनकी गोपाल जी की थोड़ी सी ज्वेलरी दिखा दो आपके पास क्या क्या है, तो जल्दी ही वीडियो वो भी आपको मिलेगी ही मिलेगी कि इनके पास पगड़ी की कलेक्शन क्या है, क्योंकि मुझे पगड़ी ज़्यादा पसंद आती है, इनके पहने हुए पगड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये जो पगड़ी है ये इनकी पगड़ी है डेली रूटीन में पहनने वाली, तो मैंने इनको ग्रीन पगड़ी पहनाई है क्योंकि मुझे
घर में इनको हल्की फुल्की पगड़ी पहनाना पसंद है, जब कोई स्पेशल त्यौहार होता है तब मैं इनको हैवी पगड़ी पहनाती हूँ। इनका श्रृंगार भी थोड़ा हैवी हो जाता है हल्का फुल्का सा, और जो इनका पोशाक हैवी हो जाती है, ज्वेलरी हैवी हो जाती है, और बल्कि नॉर्मल डेज में मैं इनको बिल्कुल लाइट लाइट श्रृंगार करती हूँ और हल्के हल्के कपड़े पहनाए जाते हैं, और जो ज्वेलरी है पगड़ी है वो भी मैं इनको हल्की फुल्की ही पहनाती हूँ। अगर रोज़ाना इनको हैवी पहना दूँ तो त्योहारों पर मुझे ना कुछ चेंज सा नहीं लगता इनके लिए। तो देखिए आप, इनका श्रृंगार है डेली रूटीन का भी बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि ये तो हर रूप में हर श्रृंगार में सुंदर लगते ही लगते हैं। तो अब मैं इनको विराजमान कर देती हूँ इनके आसन पर, और अब इनकी की जाएगी आरती। आरती मैं इनकी भी करूँगी और मंदिर में भी आरती कर दूँगी। तो आरती तो हो गई है, अब मैं करती हूँ इनके भोग की तैयारी। इनको भोग में मैं क्या क्या दूंगी आज? तो गोपाल जी के भोग की थाली मैंने तैयार कर दी है। तो ये है दूध, ये है ड्राई फ्रूट, कई बार इनको बिस्किट भी दे देती हूँ जब घर में जैसे कुछ भी नहीं है भोग लगाने के लिए, तो बिस्किट भी देती हूँ। तो ये है स्पंजी रसगुल्ला, ये मेरी भतीजी कल शाम को इनके भोग के लिए लेकर आई थी, उसने कुछ मांगा होगा, उसका कुछ पूरा हुआ होगा, तो इनके लिए प्रसाद लेकर आई थी, तो मैंने आज ही इसका भोग लगाया। और तीन पानी भी तुलसी वाला मैं ले ही आई हूँ, ये हमेशा इनके पास रखा रहेगा। और तुलसी के पत्ते मैं और भी तोड़ कर लाई हूँ, एक मैं चढ़ाऊँगी शालिग्राम जी पर और एक तुलसी का पत्ता जाएगा कान्हा जी के चरणों में, और बस ये लग जाएगा भोग। और कभी कभी भोग में मैं इनके लिए जैसे उपमा बना दिया, पोहा बना दिया, या नमकीन सेवियाँ बना दी, और जैसे ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो कई बार इनके लिए हलवा भी बनाया जाता है, गोंद के लड्डू रखे होते हैं घर में बनाए हुए, तो उसका भी भोग लगा दिया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल घर में रखा होता उसी का ही भोग लगाया जाए, कई बार ऐसा होता कुछ नहीं भी होता तो बिस्किट का भोग भी लगाया जाता है, मठरी पड़ी होती है उसका भी भोग मैं लगा देती हूँ। तो बस अब ठाकुर जी लगा लेंगे भोग। तो ये है मेरी गोपाल जी के साथ सर्दियों में सुबह सुबह की दिन रूटीन जो है, कैसे मैं इनकी पूजा अर्चना करती हूँ, कैसे उठाती हूँ, क्या भोग में देती हूँ। बाकी इसके बाद दोपहर में जो खाना घर में बनता है बिना प्याज लहसुन का बनाया जाता है ठाकुर जी के लिए स्पेशल, और वैसे तो बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है, कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ों में प्याज लहसुन डाला जाता है, तो इनके लिए जो भोग बनाया जाता है वो बिल्कुल अलग से ही बनाया जाता है। तो दोपहर में भोग लगेगा, फिर इनके बाद उसके बाद इनको सुला दिया जाएगा, फिर शाम को फिर इनको 5 बजे के करीब उठाती हूँ मैं, फिर उसके बाद इनको थोड़ा सा कोई फ्रूट दे दिया या दूध चाय दे दी, उसके साथ बिस्किट दे दिए, फिर रात को इनको आरती होती है, उसके बाद दूध का भोग लगा के फिर रात को फिर से सुला दिया जाता है। तो ये पूरे दिन की दिनचर्या ऐसी थी। तो अभी मैंने आपके साथ जो शेयर किया ये मेरा सुबह का रूटीन है, कि सुबह सुबह मैं इनके साथ पूजा अर्चना जो मेरा रूटीन है वो क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की सुबह की रूटीन गोपाल जी के साथ जरूर पसंद आई होगी, मैंने आपके कहे अनुसार ये वीडियो बनाई तो आपको जरूर अच्छी भी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें और बताते रहें कि आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।